हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 9। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 9 पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने रिज्यूमे के बारे में जाना, क्या क्या कंटेंट हम रिज्यूमे में लिखते हैं वो हमने जाना और क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है एक रिज्यूमे को लिखने से पहले, उनके बारे में हमने बात करी। तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उनको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें हम जानने वाले एप्लीकेशन के बारे में। हमने जाना इससे पहले वाले पार्ट में कि जो हमारा रिज्यूमे होता है वो हम एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं। अब वो एप्लीकेशन क्या होती है वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को लिखते समय क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है वो हम जानेंगे और क्या क्या कंटेंट एक एप्लीकेशन के अंदर हमें ऐड करना है, क्या हमें लिखना है, वो सब चीजें हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो। शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है एप्लीकेशन फॉर जॉब्स। अब जो भी जॉब की वैकेंसीज निकलती है उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, या तो किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, और सबसे ज्यादा हमें किसके थ्रू पता चलता है, न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर में एक पूरा पेज ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी जॉब्स के बारे में लिखा होता है। वो सारी वैकेंसीज वो होती है जो रिसेंटली रिलीज हुई है, तो उन वैकेंसीज को देखने के बाद अगर हमें उनमें से कोई सी भी जॉब पसंद आ गई कि हमें इस वाली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे उसी एप्लीकेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब हमें जॉब मिलेगी कैसे, जब हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे उस एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर कौन जो हमें जॉब देगा, उस एप्लीकेशन के साथ हम अपना रिज्यूमे अटैच करेंगे। रिज्यूमे अटैच करने के बाद जब हम उसको भेजेंगे उस एम्प्लॉयर के पास, तो वो उस रिज्यूमे को देखेगा, उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा, फिर वो हमें बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। रिज्यूमे और इंटरव्यू के बारे में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है, प्रीवियस वीडियोस में हम वो डिस्कस कर चुके हैं। और एप्लीकेशन हम एम्प्लॉयर को लिखेंगे जो भी जॉब्स उसने रिलीज करी है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए, ठीक है। तो अब जानना शुरू करते हैं एप्लीकेशन को लिखना हम कैसे कैसे शुरू करेंगे। यूजुअली द एप्लीकेशन स्टार्ट्स बाय मेंशनिंग द न्यूज़पेपर्स नेम विद द डेट एंड द जॉब अप्लाइड फॉर। जो हमारी एप्लीकेशन की शुरुआत होगी उसमें हम मेंशन करेंगे न्यूज़पेपर का नाम जहां से हमें पता चला उस जॉब के बारे में, कि जो भी वैकेंसीज निकली उन वैकेंसीज का हमें पता कहां चला, उस न्यूज़पेपर के पेपर से, ठीक है। तो उस न्यूज़पेपर का नाम हम मेंशन करेंगे, साथ में उस डेट को हम मेंशन करेंगे जिस तारीख को हमें पता चला उन वैकेंसीज के बारे में, और किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी हम वहां पर मेंशन करेंगे। नंबर टू पॉइंट है, बट व्हेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसी इज रिसीव्ड फ्रॉम सम फ्रेंड रिलेटिव और समबडी एल्स देन द एप्लीकेशन स्टार्ट्स बाय मेंशनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको उन जॉब्स के बारे में पता कैसे चलेगा, या तो किसी फ्रेंड के थ्रू, या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू, या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर वाले केस में हमने समझ लिया कि हमें न्यूज़पेपर का नाम मेंशन करना है, तारीख मेंशन करनी है। अगर हमें अपने फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से उसके बारे में पता चला है, उन वैकेंसी के बारे में पता चला है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स, कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमें किसी रिलायबल सोर्स से मिली है। इन द बिगनिंग द पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट इज अप्लाइंग इज मेंशन। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वहां पे हम लिखेंगे किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड जॉब एक्सपीरियंस आर मेंशन। हमारी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, किस तरह की जॉब हमने करी है, वो सब चीजें हम वहां पर मेंशन करेंगे। While mentioning educational qualifications, the name of the examination, degree, years of passing, division obtained, percentage of marks obtained, the institution's name, etc. are stated. तो वहां पर आप क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको आप मेंशन करेंगे, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं या फिर जो भी डिग्री आपको मिली है या फिर मिलने वाली है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे, कौन सी डिवीजन आपने ऑब्टेन करी, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका है, किस इंस्टीट्यूशन से आपने उस एग्जाम को दिया था और आपने वो जो भी डिग्री आपको मिली है वो आपने हासिल करी, एटसेट्रा आर स्टेटेड। तो ये सब चीजें आप एक एप्लीकेशन में बताएंगे। फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, मार्क्सशीट्स, एटसेट्रा, ये सब चीजें भी आप वहां पे लगाएंगे। क्या क्या फोटोस्टेट होनी चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट्स आपने अभी तक अचीव किया है उनकी, और जो भी आपकी मार्क्सशीट्स होंगी, जो भी एग्जाम्स आपने दिए होंगे उनकी मार्क्सशीट के फोटोस्टेट आप यहाँ पे लगाएंगे। कंसर्निंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन। जो भी क्वालिफिकेशन आपकी होगी, जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन करे होंगे, उन सब चीजों को आप इस एप्लीकेशन के साथ क्लोज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कब होगा, जब भी एप्लीकेशन आप उसको भेजेंगे, जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको आप एप्लीकेशन भेजेंगे, इसमें आपका सीवी भी अटैच होगा, सीवी हम जान चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। जब वो आपकी इस एप्लीकेशन को पढ़ेगा, उस रेज्यूमे को पढ़ेगा, उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो उस इंटरव्यू में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगे वो देखे जाएंगे। द एप्लीकेशन शुड बी नीटली एंड करेक्टली टाइप। जो भी आपने एप्लीकेशन लिखी है, अब चाहे वो ऑनलाइन आपने लिखी हो या फिर ऑफलाइन आपने पेपर पे लिखी हो, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और करेक्टली टाइप्ड होनी चाहिए, मतलब कोई भी उसमें मिस्टेक्स ना हो। इफ द हैंड रिटन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, इट शुड बी रिटन इन नीट एंड क्लियर राइटिंग। वही चीज आ गई कि अगर इसमें हैंड रिटन एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, हाथ से अगर आप लिख रहे हैं, तो उसमें जो राइटिंग है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। द एप्लीकेशन रिवील्स योर पर्सनैलिटी। जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो आपकी पर्सनैलिटी को वहां पर रिवील करेगी कि पर्सन कैसा है, ठीक है। आपके लिखने के तरीके से सामने वाला बता सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, मतलब एकदम जज कर लेता है लोग, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी अच्छी राइटिंग वहां पर लिखनी है, करेक्ट वे में आपको उनको लिखना है, कोई भी मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी पर्सनैलिटी को उस एम्प्लॉयर के सामने रिवील कर देगी, ठीक। आगे हम बात करते हैं क्या क्या कंटेंट हम डालेंगे एप्लीकेशन के अंदर। जब हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें क्या क्या कंटेंट हमारा रहेगा। नंबर वन है स्टार्टिंग पैराग्राफ। अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग की लाइंस होगी उसमें क्या होगा, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज अटेंशन एंड अरोज हिज इंटरेस्ट टू कंसीडर योर कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पैराग्राफ होगा उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा ये होगा कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो आपकी रेज्यूमे को देखने वाला है, आपकी एप्लीकेशन को देखने वाला है, उसको अट्रैक्ट करे, ठीक है,
और उसको वो इतना इंटरेस्ट लाए उसके दिमाग में कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपका रिज्यूम है, वो इसको कंसिडर करे, जिस भी पोजिशन के लिए आपने अप्लाई करा है उस पोजिशन को वो आपको दे दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिड पैराग्राफ। अब जो मिड पैराग्राफ होगा उसमें क्या होगा, इट कंटेंट्स शुड रिलेट टू योर पोस्ट एंड योर कैपेबिलिटीज। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लिखेंगे मिड पैराग्राफ में, यानी कि बीच में स्टार्टिंग पैराग्राफ के बाद, ये होगा आपसे रिलेटेड, आप इसमें किस पोस्ट पर है, क्या आपकी कैपेबिलिटीज है, कितना आप कर सकते हैं आगे। इट में रन इन टू थ्री पैराग्राफ ऑल्सो, ये दो तीन पैराग्राफ तक भी चल सकता है मिड पैराग्राफ हमारा, क्योंकि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगी, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे जहां जहां आपने एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपकी हॉबीज होंगी, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं या करते आए हैं वो सब होंगी, और कोई दूसरी क्वालिटीज है, कोई अलग से आपके अंदर स्किल्स है तो वो भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो ये दो तीन पैराग्राफ तक जा सकता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ, दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का फंक्शनल पार्ट कहलाएगा, वेयर यू मेंशन योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डिटेल्स रिगार्डिंग अटेंडिंग द इंटरव्यू एटसेट्रा, जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, डिटेल्स आप ऐड करेंगे रिगार्डिंग अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपको इन डिटेल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट करेगा इंटरव्यू के लिए। आप अपना एड्रेस वगैरह बताएंगे, आप अपना फोन नंबर बताएंगे, उसी के हिसाब से वो इंटरव्यू आपका रखेगा और आपको बुलाएगा, ठीक है। नंबर फोर्थ है सिग्नेचर, द सिग्नेचर मस्ट बी ब्लू और ब्लैक इंक। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे एप्लीकेशन पे वो ब्लू या फिर ब्लैक डॉट पेन से होना चाहिए। इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट मिस और मिसेस लगता है, ठीक है, आपको पता है। एंड डी आर ई आर इन केस ऑफ प्रोफेशनल डिग्री, और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आप उसमें डी आर और ई आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मेन चीज होगी सिग्नेचर को लेकर, इस तरह से आपको सिग्नेचर करना है। नंबर फाइव पॉइंट हमारा एनक्लोजर्स। अब उस एप्लीकेशन का जो भी आपका एक एनवलप होगा उसके अंदर कितने पेपर्स आपके हैं, एक रिज्यूमे हो गया, एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन अगर बड़ी सी है तो फिर शायद वो दो तीन पेज में आ जाए, ठीक है। इन द मेन एप्लीकेशन फॉर्म यू शुड मेंशन द नंबर ऑफ एनक्लोजर्स, आपको उन एनक्लोजर्स का नंबर मेंशन करना है, कितने डॉक्यूमेंट्स या फिर कितने पेपर्स उस एनवलप के अंदर आपके हैं, ठीक है, तो वो आप मेंशन करेंगे। नंबर सिक्स था एप्लीकेशन एंड बायोडेटा, एप्लीकेशन आप होगी, ठीक है, जो ये एप्लीकेशन हम अभी तक इतनी देर से पढ़ रहे हैं वो, और एक बायोडेटा, आपकी पूरी पर्सनल चीजें सारी होंगी उसमें। यू शुड प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ योर बायोडेटा एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आप एक बायोडेटा अपना ड्राफ्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और किससे वो कंसल्ट करेंगे, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा, वो आप अपने आप ऐसी कुछ भी लिख नहीं देंगे उसमें, आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, जो कि एक्सपीरियंस रखता है इन सब चीजों के बारे में, उनको नॉलेज होगी, ठीक है। यू शुड गिव अ फाइनल शेप टू योर बायोडेटा, और उनसे कंसल्ट करने के बाद आप एक फाइनल शेप देंगे अपने बायोडेटा को, ठीक है। तो ये थी कुछ चीजें जो आती हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, ये सारा वो कंटेंट था। आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। अब जब हम एक एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। वो क्या क्या पॉइंट्स है, नंबर वन है पोस्ट बीइंग अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, उसको हम सही से मेंशन करेंगे, अच्छे से मेंशन करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉयर को पता चले कि ये जो पर्सन है इसमें ये सारी अच्छी एबिलिटीज है और इसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, ठीक है। नंबर टू है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज एंड अदर रिलेवेंट पॉइंट्स अबाउट द कैंडिडेट शुड बी मेंशन। अगर आपके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स है, कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो आपको लगता है कि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड, या फिर उस बिजनेस में वो चीजें काम आएंगी, जहां भी आप जॉब करने जा रहे हैं वहां पर वो काम आएंगी, तो आप बिल्कुल उसको मेंशन कर सकते हैं, राइट। नंबर थर्ड है द नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर भी आप जॉब करने जा रहे हैं, जहां पर भी आपने अप्लाई करा है जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर जगह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी वो बिजनेस है, जो भी कोई फर्म है, जो भी कोई फैक्ट्री है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। राइटिंग स्किल, इफेक्टिव कन्वर्सेशन, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, सच क्वालिटीज इंप्रेस द एम्प्लॉयर। जैसे अगर कोई भी क्वालिटी आपके अंदर है, राइटिंग स्किल्स हो गई, इफेक्टिव कन्वर्सेशन हो गई, सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो ये काफी अच्छी क्वालिटीज होती है जो किसी एम्प्लॉयर को इंप्रेस करती है। लेकिन आपको कुछ भी झूठ नहीं लिखना है, ऑनेस्टली आपको लिखना है, अगर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, अगर है तो आप बिल्कुल उसको मेंशन करें, ठीक है, लेकिन झूठ कुछ भी नहीं लिखना है। नंबर फिफ्थ, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ कंप्यूटर एंड एप्रोप्रिएट फॉन्ट शुड बी सिलेक्टेड। आप जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसको आप कंप्यूटर के थ्रू पूरा फिल करेंगे और अप्रोप्रिएट फॉन्ट का आप यूज करेंगे, किसी ऐसे स्टाइलिश फॉन्ट का आप यूज ना करें जो समझ में भी ना आए, ठीक है। तो सिंपल से फॉन्ट्स होनी चाहिए, सिंपल सी आपकी राइटिंग उसमें होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपने प्रिपेयर करा है, और कंप्यूटर के थ्रू आप उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नंबर सिक्स, प्रॉपर वे ऑफ एड्रेसिंग द स्पेसिफिक पर्सन शुड बी यूज्ड। जैसे कि हमने जाना था कि आप एक एमिनेंट पर्सन को रेफरेंस में ऐड करते हैं, तो आप उस स्पेसिफिक पर्सन को अच्छे से एड्रेस करेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेशन शुड नॉट बी गिवन। आपको अपने रिश्तेदारी जो भी है, आपकी जो भी रिलेशन है आपके, उनकी जानकारी आपको नहीं देनी कि जो मेरा रिलेशन में ये कोई पर्सन है, ये है या फिर ये वो है, इस तरह से आपको कोई भी रिलेशन वहां पर नहीं शो करने हैं, ठीक। नंबर एट है अवॉइड मेंशनिंग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल। इररिलेवेंट यानी कि जो उस पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, एम्प्लॉयर से भी रिलेटेड नहीं है, आपसे भी रिलेटेड नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मेंशन नहीं करनी है। नंबर नाइन है एप्लीकेशन शुड बी केयरफुली एडिटेड एंड चेक। जो भी एप्लीकेशन आपने लिखी है उसको आप अच्छे से चेक करेंगे, अच्छे से एडिट करेंगे कोई भी अगर उसमें प्रॉब्लम है तो। जॉब एप्लीकेशन इज लाइक अ कॉन्टैक्ट लिंक दैट कंटेन्स द क्वालिटीज ऑफ अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज अटेंशन। जो जॉब एप्लीकेशन होती है ये एक तरह का कॉन्टैक्ट लिंक होता है
इसमें वो सारी क्वालिटीज होती है जो किसी एम्प्लॉय की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपको जॉब देने वाला है उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करने की पावर ये एप्लीकेशन रखती है, ठीक है, और इससे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं एप्लीकेशन को लिखने से पहले। जो कंटेंट आता है एप्लीकेशन के अंदर वो हमने जाना, और एप्लीकेशन होती क्या है वो भी हमने यहाँ पर जाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ चैप्टर 9 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बिजनेस कम्युनिकेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे चैप्टर 9 के, और आपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।